सबका दिल बिल्लियों उछलने लगा, यानी बिल्लियों की तरह उछलने लगा, जोर जोर से धड़कने लगा। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठे अनाज से, फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मजा आएगा। यानी वो सोचने लगे कि जब फसल कट जाएगी तो फसल का से जब हम अनाज अलग कर लेंगे तो एक कोठरी अनाज से भर जाएगी और जो घर है वो उसके छिलकों से फूस से भर जाएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद, और वो सोचने लगे जब हम पेट भर के खाना खाएंगे तो कैसी डकारें आएंगी। उन सब ने एक ही बार सोचा, अचानक होरी के कदम रुक गए, यानी अभी सोचा ही था एक ही बार कि एकदम होरी के कदम रुक गए, वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था, वो सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे। क्या अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई, उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई, अबे कौन है बे। और फिर सबने देखा उनके खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वो सब होरी के पीछे पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे, बोलता क्यों नहीं, कौन फसल काट रहा है मेरी। होरी ने देखा कि उसके खेत में कोई आदमी उसकी फसल को काट रहा था, मगर खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दराती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। दरांती यानी वो आला, वो औजार जिससे फसल काटी जाती है। सब कदरे सहम गए, यानी सब जो है वो थोड़ी देर के लिए डर से गए कि ये कौन है। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है, बोलता क्यों नहीं, और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सौंत ली, यानी एकदम एक्शन में आ गया, दरांती को सौंत करके भाई देखते हैं कौन है जो मेरी फसल काट रहा है, लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। अचानक खेत के पड़ले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्करा कर उन्हें देखने लगा हो। मैं हूं होरी काका बिजू का, उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में लहराते हुए जवाब दिया। तो अचानक जो है एक ढांचा सा उठा और सीधा खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं हूं होरी काका, मैं यानी बिजू का। सबकी मारे खौफ के घुटी घुटी सी चीख निकल गई, उनके रंग जर्द पड़ गए, जर्द यानी पीले, इसी से बनता है जर्दा, क्योंकि जर्दा जो है जर्द रंग के चावलों को जर्दा कहा जाता है। और होरी के होठों पर गोया सफेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी थी, एक पल, एक सदी या फिर एक युग, उसका इनमें से किसी को अंदाजा न हुआ। जब तक कि उन्होंने होरी के गुस्से से कांपते हुए आवाज न सुनी, उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास न हुआ। यानी वो एक सेकंड ऐसा गुजरा जब उन्होंने उसको देखा बिजुका को फसल काटते हुए, सब हैरत से जो है वो एकदम उसमें खौफ में, डर में और हैरत के मिले जुले जज्बात से एक टक से हो गए। उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। और जब होरी ने जो है बोलना शुरू किया तब उनकी उनको होश आया कि आखिर हो क्या रहा है। तुम बिजू का, तुम, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था बांस की फांकों से, और तुमको इस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हाँका लगाता था, और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े से मेरे बाप को दे गया था। अगर मैंने तुम्हें फसल की हिफाजत के लिए लगाया था, तुम फसल काट रहे हो, और तुम्हें वो अंग्रेज वाला कपड़ा पहनाया था, और वो कपड़ा अंग्रेज का कौन सा था, वो एक अंग्रेज मेरे बाप को खुश होकर देके गया था, क्योंकि जब वो शिकार बचाता था तो वो उनके लिए जो है वो उनके साथ जाया करता था, उनकी मदद करता था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था, और जो तेरा चेहरा था वो मैंने कैसे बनाया था, एक टूटी फूटी हांडी थी मिट्टी की, वो मैंने सर पे लकड़ी के ऊपर लगाकर तेरा सर बनाया था, और उस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है, होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था, और बिजू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। बदस्तूर यानी वैसे के वैसे, दस्तूर के मुताबिक। जैसे इस पर होरी की किसी बात का कोई असर
न हुआ हो। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने देखा फसल एक चौथाई के करीब कट चुकी है, एक चौथाई यानी 25%, और बिजुका उसके करीब दराती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि इसके पास दराती कहां से आ गई, वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बिजुका दोनों हाथों से खाली हाथ खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा, गोश्त पोस्त का उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर होदी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया, मगर बिजुका तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफ ज़दा होकर बिजुका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बिजुका, मुझसे जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। बिजुका हसबे मामूल मुस्कुरा रहा था, मामूल के मुताबिक मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, तुम ख्वामखा खफा हो रहे हो होरी काका, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है एक चौथाई, लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का, तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूं और मैंने इस खेत की हिफाजत की है, लेकिन मैंने तुम्हें बेजान समझकर यहां खड़ा किया था और बेजान चीज का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दराती कहां से आ गई? बिजुका ने एक जोरदार कहका लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो, लेकिन तुमको ये दराती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी, ये मुझे आपसे आप मिल गई, यानी खुद ही मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थी, फांक यानी टुकड़े, बारीक बारीक जो टुकड़े करते हैं, जैसे फल हम काटते हैं तो उसकी भी हम फांके करते हैं, वो अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें नाक कान और मुंह बनाया था, उसी दिन उन सब चीजों में जिंदगी कुलबुला रही थी और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा और एक दराती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही, और जब फसल पक गई वो दराती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतजार करता रहा और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो मैंने अपना हिस्सा काट लिया, इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बिजुका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये साजिश है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है, मैं पंचायत से इसका फैसला कराऊंगा, तुम दराती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी नहीं ले जाने दूंगा, होरी चीखा और बिजुका ने मुस्कुराते हुए दराती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी, पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था, उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बिजुका का इंतजार था। आज पंचायत ने अपना फैसला सुनाना था, मुकदमे के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बिजुका खरामा खरामा आता हुआ दिखाई दिया, खरामा खरामा यानी धीरे धीरे। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था, जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उसके सर ताजीमन झुक गए यानी चौपाल में जो लोग बैठे थे वो अचानक खुद ब खुद बेसाख्ता उठ गए और बिजुका को देखकर उसके सामने ताजीम और एहतराम में उनके सर खुद ब खुद झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा, उसे लगा जैसे बिजुका ने सारे गांव के लोगों का जमीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो अपने आप को तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगा कि अब फैसला मेरे हक में नहीं आने वाला, क्योंकि सब लोग उठे और बिजुका के सामने झुक गए थे, तो उसको इस बात से एहसास हो गया था कि अब मेरे हक में फैसला नहीं आने वाला, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की किसी तेज मंझधार में फंसा हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है, यानी उसकी बेचैनी का मंजर
राइटर ने पेश किया। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथा हिस्सा बिजुका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजुका ना बनाना। अगले वर्ष जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोंपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना। बिजुका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। यानी उसने अपने पोतों से कहा कि अब कभी तुम अपने खेत में हिफाजत के लिए बिजुका मत बनाना, वरना वो अपना हिस्सा मांग लेगा। और जो थल है, जो रेगिस्तान है, वो तेजी से वैसे भी आगे बढ़ता आ रहा है, तो एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा जब वो रेगिस्तान आगे इतना बढ़ जाएगा तो खेत जो है हमारा, उस खेत को भी निकल जाएगा और वहाँ फिर खेती हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं वसीयत करता हूँ कि जब तक तुम खेती करो तो मुझे तुम बिजुका की जगह बांध लेना मेरे बाद। जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी, मुझे वहां से हटाना नहीं। यानी जब तक तुम्हारे खेत हैं तुम खेती करो, मुझे तुम बिजुका की जगह लगाए रखना, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजुका नहीं बनाना, कि बिजुका बेजान नहीं होता, आपसे आप उसे जिंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है और उसकी फसल की एक चौथाई और उसका फसल की एक चौथाई पर हक हो जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और खत्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बिजुका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतारकर सीने के साथ लगाया और अपना सर झुका दिया। तो ये अफसाना था, और जैसा इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसका जो मोटो था, मोटिव था, वो ये था कि अपनी चीज़ों की और अपने मामलात की हिफाजत खुद करें, उसे दूसरे के सुपुर्द ना करें, क्योंकि दूसरा जो है वो कभी ना कभी आ खड़ा होगा और अपना हक मांगेगा और या आपके मामलात को बिगाड़ देगा। तो इसलिए अपने मामलात को और अपने सरमाए को, सबकी हिफाजत आपको खुद करनी चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए।